हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन, इट्स आईजी आयानुल। तो गाइस, आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे बर्ड्स फार्मिंग। बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है। हम लोग जा रहे हैं अपने दोस्त के यहाँ फार्म विजिट करने। मेरे साथ है मेरा दोस्त सैफ और चलिए आपको आगे दिखाते हैं।
ठीक है। और सुनिए आपको फर्क पड़ता है कि मेरी बारे तीन बच्चा निकला है, एक दो और एक तो कहाँगे एक तो कहाँ एक तो बच्चा निकला बट इसका फीमेल तो उड़ा दिया मेरे से सेल्फीड हो गया है। अरे बहुत जल्दी बढ़ता भी है और इसका नाम सोच रहे जावा ही, अभी पैसा थोड़ा जावा में ज़्यादा है ना और इसका बच्चा भी ज़्यादा निकलता है एक बार में चार पाँच, हम तो हम देखे चार सौ लाया नहीं हाँ चार सौ लाया था, चार सौ से मेरा आठ बच्चा निकल गया ऑलरेडी। नीचे दो पैर जो है वो तो हम अलग से लाए थे मगर वो फीमेल अगर रहती ना अभी और बच्चा देती, वो पाँच अंडा पहले बार पाँच निकाली फिर आपको जब किया दिए ना तब इधर उधर होने हमको लगता थोड़ा अंडा खराब हो गया, दो तो बच्चा नहीं निकला पाँच के वो अंडा चल रहे थे। अरे मम्मी क्या बोल रही थी वही बाप के कहते हैं पिंजरा बना देने बोल बोले इतना सारा पिंजरा अंदर बाहर कर रहे बहुत दिक्कत हो रहा है, हम बोले कल आपके एक बना हुआ तो भैया रहते तो बना लो झाड़ू देने में भी सबसे झाड़ू होती है अपने एक जगह में दिक्कत नहीं है इतना खराब हो अंडा फर्टाइल होता है ये देखिए आपका वाला येलो था जो ब्लू का बगल में पैसा किया हाँ तो देखिए ना ब्रीड हमको पता नहीं अब उतना तो ध्यान नहीं किया बट ब्रीडिंग मोड में है नाक में ब्लू हो गया ये हो गया ब्राउन हो गया हाँ लीजिए वो भी अच्छा कलर अभी छोटा है अभी हो गया होगा अरे नहीं काटेगा उसका कितना कस के काटे वो काटता ही नहीं है उतना कस के। अरे बाप रे वो भी हम तो वो ये बजरे को पकड़ लेते हैं बजरे से मेरा बड़ा हो गया मैं इनका बच्चा तो खत्म है अभी तो ये सब जो निकला हो वो उनसे व्हाइट वाला नहीं वो क्रस्टेड खराब है ब्रीड नहीं करता ये ना करता है ना ओ यासी में रहता दो चार किलो से क्या मस्ती करते थे नहीं ना येलो वाला पेड़ है आपका ब्रीडर पेड़ है ब्रीडर का नाक ब्लू है ब्राउन है वो वाला व्हाइट वाला नहीं कि वो बच्चा निकला था अभी बड़ा हो गया वो देखो वहाँ जो बैठा हुआ था जाली में होता जाली में वो भाई वो ओपन वो अभी थोड़ा मिस हो गया अभी सही हम बता रहे हैं बार लड़ाई पहले एक ही था अभी बहुत सारा हो गया तो लुपिनो और एल्बिनो दोनों लुपिनो नहीं काटेगा जी निकालिए ना आप अरे क्या इतना डर रहे चलिए अरे तो उड़े गया यही वाला भी है ये भी है वो लुटीनो है वो लुटीनो छोड़ दीजिए लुटीनो मेरे पास बहुत कम है ये आपका वाला ही है देखिए तो
नहीं ये तो ब्रीडिंग है ना, एक नाक ब्लू वाला नहीं सिखा है यहाँ था भाई साला ये वो की गया वहाँ ऊपर में देखिएगा ये 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 यहाँ यहाँ बैठा जाली में बैठा जाली में लोहा के पास वकला आपका वाला का पास हाँ 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 वही 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 देख रहे ना कॉकटेल का साइज अंदर तो इस बार और बड़ा हो गया ये साइज इसका बढ़ गया है ब्रीड के नाम पे कुछ नहीं दोनों मेल है हाँ वो ले जा सकते है बट सेल्फ हुआ है कि नहीं हाँ सेल्फ हो गया होगा ले जाए उसको छोड़ के देखे ना उड़ रहा है कि नहीं उड़ते ही होगा मुझे लग रहा है इसको हम उड़ते हुए देखे हैं अभी तो सुबह ही उड़ा है हाँ नहीं देखिए आपसे पकड़ लेंगे बजरी है
तीन पेयर और कुछ जैसे दाना वगैरह मंगाया था वो भी सीड्स उसके गन्नी दाना जो बोलते हैं उसको, दाना हम लोग ऐसे ही नॉर्मल बोलते हैं, उसके सीड्स वगैरह हैं और भी कुछ हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा पहुँचने के बाद। पार्किंग कलर बहुत प्यारा प्यारा है, सब मैं आपको दिखाऊंगा।
लाहौर से है उसका, आपको बुलेट क्या करा था? ठीक लग रहा था लाहौर में तो, अच्छा ही लग रहा था, ब्लैक ब्लैक पे खिल भी रहा था, लेकिन जो होंडा का बत्तख के गर्दन में हंस का ही मुंडी लगा दिया। डस्टबिन कचरा डाल के मैदान में रखे तो आज भी कल मेरा डस्टबिन ले जाके चले गया यार। हाँ तो वहीं होगा, अंदर कंपनी में होगा, डस्टबिन जाएगा कहाँ?
बहुत रिलैक्स फील होता है। ये हमारे जमशेदपुर का फेमस मंदिर काली मंदिर है, यहाँ पर जो लोग रुकेंगे और
निकल गया भैया। ये है मेरा खजाना फॉर्म, इसको रख देते हैं इस तरफ, इसको भी लाना पड़ेगा। सबका सब कुछ मेरे अंडर में है। ये अभी जहाँ गए थे ना, जहाँ से चिड़िया लेकर के आए हैं, मतलब वो ये उसी का यहाँ पर था रखा हुआ। वो कुछ दिन के लिए कहीं गया हुआ था तो हम लोगों को देख करके गया था। ये अफ्रीकन पैरोट है, सारे बाहरे के ही हैं, अब लोगों को पता ही होगा इसके अंदर भी है। यहाँ पर ये है, वहाँ पर एक और मैं दिखाता हूँ आपको। वो बंद करके रखना पड़ता है, वो फिर निकल जाता है। आज सुबह ही में एक निकल गया था उड़ कर। ये लबर्स हैं, लबर्ड इसके अंदर है। तीनों बताने में जा रहे थे। ये ब्लू मास है, ब्लू मास ये है लबर्स। लबर्स इसके अंदर भी है। ये लबर्ड कलर बहुत प्यारा प्यारा है, बाहरने के लिए इसके अंदर भी है एक। ये
यहाँ है मेरा सबसे बड़ा खजाना कॉकटेल। एक अंदर के लिए और दो यहाँ पर है। ये दोनों फैक्ट्री है जहाँ से सारा बच्चा निकला है। ये सब और उस तरफ जो दिखा ये दोनों, ये वाला ये फीमेल है, ये मेल है। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको क्या देखना है वो आप कमेंट करके बता देना। ये बाकी इसके बारे में और जो बर्ड्स है उसके बारे में कुछ जानना हुआ तो आप कमेंट करके बता देना, या जमशेदपुर में कहीं घूमना हुआ तो बता दीजिएगा। सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।